अब समझ में आता है हिटलर कैसे जीत के आ गया। हिटलर बंदूक लेके तो आया नहीं था, किसी को मार काट के नहीं आया था वो। अब समझ में आया कि हिटलर कैसे हाकिम वक्त बना। मोदी के दौर ने वो सब चीजें याद दिला दी कि हाँ ऐसा होता है। जो लड़की हिजाब में है और माकूल लिबास पहने हुए है, अपने जिस्म को ढके हुए है, क्या उस पे कोई ऐसा इल्जाम आया अभी तक? जबकि उस इस पर्टिकुलर लिबास से नफरत करते हैं लोग। आप राजस्थान में जाइए या किसी देहात, औरतें इतना लंबा घूंघट डालती हैं कि मियां से पीछे चलती हैं। आप कह दीजिए कि नहीं साहब वो कल्चर है, लेकिन ये कह देना हिजाब जो है यानी अपने को ढक के रखना गैर इस्लामी है, ये निहायत गलत बात है। लेकिन हमारा कल्चर नहीं है, हमारा दीनी फर्जिया है। वक्त के साथ साथ लिबास ढका गया, वक्त के साथ साथ अब लिबास उतर भी रहा। अब जो जो फैशन चेंज होते जा रहे हैं उसमें जिस्म की नुमाइश एक हिस्सा भी बनती जा रही है। इनको यही समझाना है, हमारे वकीलों को और जजेस को ये समझना चाहिए, कुरान को उनके सामने रखना चाहिए। वो उलमाए कुरान जिनको कुरान मानी मालूम है, औरतों के लिए वाजे तौर पर है कि तुम अपने सर को अपने जिस्म को छुपाओ। अगर आप अमेरिका जाएं और यूरोप जाएं, आप यकीन कीजिए कि आप सड़क चलते हुए सलमान लड़की को पहचान सकते हैं उसके लिबास से, उसकी चाल ढाल से। मुझे एक बार वो श्री श्री का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा आपका मजहब एक है। मैंने कहा नहीं है। नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपके यहाँ हम देने जाते हैं भगवान को, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और हम मस्जिद में उससे भीख मांगने जाते हैं। आरएसएस के जो शाखाएं हैं वहाँ लाठी डंडे चलाने चाकू चलाना आ जाता है उनको। 4 साल में राइफल चलाना आ जाएगी, बारूद कैसे इस्तेमाल होगा ये आ जाएगा, बम कैसे बनाए जाएंगे ये सीख लेंगे, फौज में तो जाएंगे नहीं। देखिए इन्होंने जिस तरीके से अदालत का सुनवाई हो रही है जी। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ का यानी रवाज क्या है जी। आपको कुरान की आयतें समझना पड़ेंगी। वाज़े तौर पर यह कह दिया गया कि अपने जिस्म को ढको, राइट, अपने जिस्म को नुमाया न करो जी। और ऐसी हालत में मत हो अपने खाविंद के अलावा कि जहां लोगों की नजरें पड़ें। ये कुरान कह रहा है। अब रवाज के एतबार से अफ्रीका में बहुत से मुल्कों में जी चादर ओढ़ी जाती है जी। दूसरे मुल्कों में एक बुरका होता है, अफ्रीका वो अफगानिस्तान में ऐसा बुरका कि जिसमें जाली लगी हुई है और आंख भी नहीं दिखाई पड़ती। यूरोप में और दूसरे मुल्कों में, तुर्की में, दूसरी जगहों पर बाल का हिजाब करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। ये वहाँ की अपनी अपनी सोशल इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन ये कह देना कि हम हिजाब जो है यानी अपने को ढक के रखना गैर इस्लामी है, यह निहायत गलत बात है। इस्लाम का जुज है ये, इसलिए कि ये बात वाज़े तौर पर कह दी गई। यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया कि ये आदमी जो है ये इसके सामने आप आ सकते हैं और इसके सामने नहीं आ सकते हैं। ये तक हमारे मजहब में इस तक की वजाहत कर दी गई कि इसके सामने आप आ सकते हैं और इसके सामने नहीं आ सकते हैं। तो उसमें शुभा क्या है सिवाय इसके कि आप इस इंटरप्रिटेशन पे ले रहे हैं। सवाल यह है कि आप राजस्थान में जाइए या किसी देहात में भी जी। औरतें इतना लंबा घूंघट डालती हैं जी कि मियां से पीछे चलती हैं। आप कह दीजिए कि नहीं साहब वो कल्चर है। अब देखिए ना कि आप इसी मुल्क में, जैसा आपने कहा कल्चर चेंज होता रहता है जी। आज से बहुत दिन पहले नहीं जी, 100-200 साल पहले बहुत बड़ी तादाद में जी औरतें ऊपर लिबास में कुछ नहीं पहनती थी। और वो ट्राइबल आज भी हैं, बंद हो गए लेकिन अभी हैं, अंदर हैं। लेकिन अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें कहीं से आपको मिल जाए, तो मैंने तो देखी है कि ख्वातीन जो बनारस में और मुख्तलिफ जगहों पर, वो एक पल्लू पड़ा हुआ है और वो ऊपर का जिस्म खुला हुआ है। वक्त के साथ साथ लिबास ढका गया और अब वक्त के साथ साथ अब लिबास उतर भी रहा है। अब जो जो फैशन चेंज होते जा रहे हैं
उसमें जिस्म की नुमाइश एक हिस्सा भी बनती जा रही, वो उनसे कोई कल्चर से उससे मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे दीन में जिस्म की नुमाइश मना है। ये यहाँ के जजेस की बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आज उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप सिखिन से मत वो कीजिए, ये सिखिन से गौरने की बात नहीं है, उनके दीन का यह हिस्सा है, कृपान भी रखें और पगड़ी भी बांधे और कड़ा भी पहने, जो भी उनके जो पांच वो उसूल हैं, वो उनका ही दीन का हिस्सा है। मेरे यहाँ भी दीन का हिस्सा है, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब वो मजहब का हिस्सा है। इनको यही समझाना है, हमारे वकीलों को और जजेस को ये समझना चाहिए, कुरान को उनके सामने रखना चाहिए। वो उलमाए कुरान जिनको कुरान बमानी मालूम है, हम तो उसके ट्रांसलेशन को जानते हैं, और हमने जो अपना ट्रांसलेशन से पढ़ा उसमें वाज़े तौर पर यह है कि ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड क्या है, मर्दों के लिए क्या है, अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाओ, अपनी उर्यानियत मत दिखाओ, औरतों के लिए वाज़े तौर पर है कि तुम अपने सर को अपने जिस्म को छुपाओ, जिसे तुम्हारा हुस्न दूसरे लोग देखकर इश्तियाल या दूसरी गलत चीज़ों में न मुब्तला हो जाएं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। लेकिन अगर आप सिर्फ इस नज़रिए से कि हम इस वक्त मुसलमानों के ऊपर किसी न किसी प्रेशर में उलझाए रखें और हमको कंजर्वेटिव या धोखेबाज या जो भी कहें, अब ऐसे माशरे में जहां आदमी इस बात से बड़ा खुश हो रहा है कि साहब उसने नंगा लिबास पहना हुआ है, वो साहब बड़ा मॉडर्न है, उसमें तो हम लोग नहीं हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं और यूरोप जाएं, आप यकीन कीजिए कि आप सड़क चलते हुए मुसलमान लड़की को पहचान सकते हैं उसके लिबास से, उसकी चाल ढाल से, और उसकी वजह से कभी भी उन पर कोई आदमी की हिम्मत नहीं होती कि कमेंट कर दे। हिंदुस्तान के अंदर भी देख लीजिए, अगर आप माकूल लिबास पहने हुए हैं तो मजाल नहीं होती किसी भी गुंडे की या बदमाश की कि वो आपको छेड़ दे। ये खुद कभी कभी बयान दे देते हैं कि साहब वो ऐसे लिबास पहने थे कि लोगों ने छेड़ दिया, ये कहते हैं कभी कभी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का वो बयान मुझे याद, का हिस्सा है जो दीन का हिस्सा है, उसको आप अगर आप नहीं मान रहे हैं और उसको कल्चर से जोड़ रहे हैं तो सरासर नाइंसाफी है। देखिए यही तो मैंने कहा कि आप खुद जब अपने यहाँ जब मामला होता है तो फौरन इस पे आ जाते हैं। और इस बात पर मुझे बताए कोई आदमी कि जो लड़की हिजाब में है और माकूल लिबास पहने हुए है, अपने जिस्म को ढके हुए है, क्या उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम आया है अभी तक? कोई केस ऐसा बताया गया है आज तक? जबकि उस इस पर्टिकुलर लिबास से नफरत करते हैं लोग यह सोच के कि ये मुसलमान है, लेकिन जुरत नहीं होती है कि वो उनके साथ कोई नाजेबा हरकत कर सके। मैं जब ये डिबेट दो दिन से बहस हो रही है, मुझे लगता है कि ये मायूसकिन बातें कर रहे हैं जजेस, वो उस फंडामेंटल बात को समझने को तैयार नहीं है। और उलमाए कराम की यह जिम्मेदारी थी और है कि वो अपने वकलाओं को उन आयतों को तफसील से बयान करें, उसका ट्रांसलेशन उनको दें और जजेस के सामने रखें कि ये कुरान है, पढ़ो इसको और फिर फैसला करो। और अगर उन्होंने कुरान की आयतों को छोड़कर फैसला किया तो वो नाइंसाफी होगी, इसलिए कि दूसरे मजहब में आप इसकी परमिशन देते हैं मस्जिद के लिए जी। अब यही जिहालत की बात है जी। हमसे कहा गया कि नमाज फर्ज है जी। और अव्वलियत जमात की है जी। और मस्जिद में 9 गुना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा जी। हमारे मजहब में और दूसरे मजहब में फर्क क्या है जी। हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को कुछ देने जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनको फूल डालते हैं, दूध डालते हैं, जो भी मिठाई डालते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन जब हम मस्जिद जाते हैं तो अल्लाह से मांगने जाते हैं, देने नहीं जाते हैं अल्लाह को। इस डिफरेंस को समझिए। हिंदू मजहब में मुझे एक बार वो श्री श्री
का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा आपका मजहब एक है। मैंने कहा नहीं है। हनी साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपके यहाँ हम देने जाते हैं भगवान को, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और हम मस्जिद में उससे भीख मांगने जाते हैं और घर पे भीख मांगते हैं, और फिर मस्जिद इसलिए जाते हैं कि वहां हमें 9 गुना हमको ज्यादा सवाब मिलता है। तो कैसे एसेंशियल पार्ट नहीं? दुनिया की कोई ऐसी बस्ती बता दीजिए जहां इस्लाम गया हो और मस्जिद न बनी हो। मदीने में रसूल अकरम जब पहे गए तो सबसे पहले मस्जिद बनाई। अगर वो इनिशियल पार्ट नहीं था दीन का तो मदीने मुनव्वरा की मस्जिद क्यों बनाई गई? इट वॉज ए पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। लेकिन अदालत ये भी फैसला कर देती है कि एसेंशियल पार्ट नहीं है। अब तो ये भी हो गया, उन्होंने बदायूं की मस्जिद के नीचे कह दिया कि यह मंदिर था, अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब खोदो उसको। अभी तक तो मथुरा, काशी, अयोध्या थे, अब कोई मस्जिद नहीं बचेगी, हर जगह मंदिर होगा। तो ये अफसोसनाक पहलू है जुडिशरी का। हुकूमत के नाराजगी लेने की अब हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि हुकूमत इस हद तक जा सकती है। आपको याद होगा कि हिमाचल में चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी थी, उस वक्त उनके यहाँ रेड करके गिरफ्तार किया था। इतना इनह्यूमन कोई हुकूमत दुनिया की नहीं होगी कि किसी के यहाँ मौत हो जाए तो उसकी भी, और कोई आदमी, यानी आप देखिए ना कि किसी जगह पर भी आपका जरा सा आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, दूसरे दिन आपके यहाँ तो इस प्रेशर में अदालतें अंडर प्रेशर हैं, जितनी एजेंसीज हैं अंडर प्रेशर हैं, जितने चैनल्स हैं अंडर प्रेशर हैं, कोई शोभा बचा नहीं है जो खौफजदा ना हो। और अब समझ में आता है, जो कभी नहीं समझ पाया मैं, कि हिटलर कैसे जीत के आ गया। हिटलर बंदूक लेके तो आया नहीं था, किसी को मार काट के नहीं आया था। वो अब समझ में आया कि हिटलर कैसे हाकिम वक्त बना। मोदी के दौर ने वो सब चीजें याद दिला दी कि हाँ ऐसा होता है। और यहां पर भी देखिए, हिटलर ने एक फौज तैयार की थी लड़ने के लिए, और एक फौज तैयार की थी लोकल लोगों से, आम लोगों को ठिकाने लगाने की। अभी वो स्कीम भी एक आ गई फौज में कि कई साल की भर्ती फौज में होगी, अग्निपथ या क्या नाम दिया उसका, फौज में 4 साल की। जी, 4 साल की। अब ये 4 साल के बाद जो ट्रेंड होके आएंगे, अभी तो आरएसएस के जो शाखाएं हैं वहाँ लाठी डंडे चलाने, चाकू चलाना आ जाता है उनको, अब 4 साल में राइफल चलाना आ जाएगी, बारूद कैसे इस्तेमाल होगा ये आ जाएगा, बम कैसे बनाए जाएंगे ये सीख लेंगे। फौज में तो जाएंगे नहीं, तो फिर वो उस कैडर के लिए काम करेंगे जो हिटलर ने अपने लिए बनाई थी। तो हर चीज उसी पैमाने पर हो रही है। ये कोई मामूली साजिश नहीं है कि आप बेरोजगारों को, क्योंकि उनको ये भी कह रहे हैं कि ना पेंशन देंगे, ना मेडिकल देंगे, ना कोई फैसिलिटी देंगे, 4 साल में आके हुनर सीख जाओ फिर इनके लिए काम करो। इसको सोचने की जरूरत है। कोई स्कीम सब ऐसे नहीं बनती है, ये बड़ी प्लानिंग करके काम करते हैं। मेरी समझ में ये एक 4 साल के बाद एक खतरनाक कैडर बनेगा। देखिए, पहली बार राहुल गांधी ने एक फैसला किया कि हम आवाम के बीच में जाएंगे। मुझे शुरू में तो ये सब बकवास लगी कि ये पार्टी की चमचागिरी होगी, लोग आएंगे हार फूल पहनाएंगे, लेकिन मैं सीरियस उस वक्त हुआ जब उन्होंने सिविल सोसाइटी को इंगेज किया।
सिविल सोसाइटी के इंगेज होने से ये अंदाज़ा हुआ कि ये संजीदा तहरीक है जी। क्योंकि अभी तक कोई अगर लड़ रहा है इनसे तो वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हर शहर में 15-20 ही हों, 25 हों, इतनी हिम्मत और जुरत उनमें है कि वो डर नहीं रहे, और वो लोग अगर इनके साथ जुड़ रहे हैं तो ये कांग्रेस का पहला मूवमेंट होगा आज़ादी के बाद जहां लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। इसीलिए पूरा मीडिया जो है वो तरह तरह की ऐप ढूंढेगा, कहीं कुछ आदमी कम हो जाएंगे वो दिखाएगा, या कहीं कुछ वो कुछ कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये अमल जो है मैं समझता हूँ कि आवाम से जुड़ने का, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें पिछले 15 साल में 20 साल में तो कांग्रेस तो आराम तलब पार्टी थी, अगर गांधी फैमिली पर कोई एतराज़ हो जाए तो सड़कों पर आ गए थोड़ी देर के लिए, नेहरू को इस मुल्क से गायब कर दिया तो कभी बाहर नहीं आए, नेहरू के वजूद को निकाल दिया तो जिस उसके बगैर हिंदुस्तान का तसव्वुर ही नहीं है, कांग्रेसी कभी सड़क पे नहीं आया, नेहरू की लाइब्रेरी ख़त्म कर दी कभी सड़क पे नहीं आया, गांधी के 30 जनवरी के जो उनकी लाइब्रेरी थी, उनकी जगह थी, वहाँ अब विशंबर नाथ पांडे के बजाय सरवारकर की किताबें बिक रही हैं, कांग्रेस कभी सड़क पे नहीं आई। तो ये पहली बार मुझे लग रहा है कि ये अच्छा इकदाम है, और अगर सिविल सोसाइटी इनके साथ ना आती तो मैं यही समझता ये कांग्रेस का भी एक जोकरी का काम है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ राहुल गांधी को कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान किया है, और वो लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो मुझे लगता है कुछ काम करेगा, इसलिए कि आम इंसान जो है वो तो बहुत दुखी है, आम इंसान तक कोई पहुंच ही नहीं रहा, और जो शहरों में जो आप देखते हैं या टेलीविज़न पे जो आता है उससे ये अंदाज़ा आप नहीं कर सकते कि गांव देहातों में क्या होगा। तो अब ये गांव देहातों तक जाने की बात है, ये खुशामदीद बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। खुशामदीद है, इस तरह से विपक्ष का मजबूत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले कुछ सालों में बनाए गए हैं और हर तरह से हर एक कोशिश की तरह विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, वो वाकई लोकतंत्र के लिए एक बड़े ख़तरे से कम नहीं है। दानिशन के लिए दिल्ली से सैयद अकरम रहमान।